आज मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ एक 3+1 BHK स्मार्ट होम का, जो रहेगा इन द साइज ऑफ 2245 स्क्वायर फीट। एंड ये स्मार्ट होम क्यों है ये मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगी। आइए चलते हैं अंदर। अरे स्विच कहाँ गया? पर मैं स्विच क्यों ढूंढ रही हूँ जब ये स्मार्ट होम है तो यहाँ पे तो अलेक्सा भी होगी। अलेक्सा प्लीज टर्न ऑन ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरियाज लाइट। Here it is. अब समझे कि क्यों है ये स्मार्ट होम। तो ये रहा आज का हमारा 3+1 BHK स्मार्ट होम। मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ क्योंकि पहले तो लाइट ऑफ थी ना। तो एंट्री में ही आपको ये डोर मिल जाता है वुडन का विद डिजिटल लॉक, जिसको आप कार्ड से, की से, पिन कोड से ओपन कर सकते हैं। एंड एंटर करते यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉयर एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल सा चेस्टर रखा हुआ है। आप भी ऐसा ऐड कर सकते हैं अपने घर में। एंड एंट्री में ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है पाउडर रूम विद सेंसर लाइट्स। तो लाइक आपके गेस्ट वगैरह जो आएंगे तो वो आपका पाउडर रूम यूज कर सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस साइड, हियर कम्स योर फर्स्ट बेडरूम इन दिस साइज ऑफ 11x14। दिस इज योर गेस्ट बेडरूम डेकोरेटेड विद ऑल क्रीम एंड ब्राउन थीम विद अटैच वॉशरूम विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग एंड अटैच बालकनी एंड वॉल माउंटेड कबर्ड्स with very good layout. And next to this, here come your drawing cum dining area in the size of 20x14.6, जहाँ पे drawing area में बैठ के आप अपनी family के साथ TV enjoy कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे है आपका LED panel जहाँ पे आप अपने LED लगा सकते हैं। And यहाँ पे बैठ के आप अपनी family के साथ meal enjoy कर सकते हैं। And अगर आपको बाहर का beautiful सा view देखने का मन करे तो आप ये एक बहुत बड़ा सा window भी open कर सकते हैं। यहाँ पे फुल वॉल का आपको विंडो मिल रहा है। एक बार बाहर से आप लुक दे ले कितना बड़ा विंडो है ये आप देख सकते हैं, जहां से आप अपनी बालकनी में आ सकते हैं एंड यहाँ से बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एंड एक नजर ये भी दे दीजिए कि ये वाइड कितनी ज्यादा है बालकनी, जहाँ पे आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिटिंग स्पेसेस बना सकते हैं अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, झूला लगा सकते हैं, बहुत कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर। सो ये था हमारा ड्रॉइंग कम डाइनिंग एरिया। इसके बाद हम चलेंगे हमारे किचन में। And this is your fully modular kitchen in the size of 9x13 with upper cabinets, lower cabinets with smart storage, cooking counter, hob, induction, chimney as it is रहेगा, आपको as it is यहाँ पे मिलेगा। And coming to this side, यहाँ पे आ जाएगा आपके refrigerator का space। एंड यहाँ पे आप अपने अप्लायंसेस इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ आ जाता है सिंक, जहाँ पे आप अपने वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वगैरह वॉश कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग, यहाँ पे आपको डिश वॉशर मिल रहा है। गाइज अगर आपको बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता है, जो कि किसी को नहीं लगता, तो आप यहाँ पे बर्तन धो सकते हो। एंड यहाँ आ जाएगा आपका यूटिलिटी एरिया एंड योर वेट सेक्शन। तो हेयर कम्स ड्यूल सिंक विद मूविंग फॉल्सेट। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सिंपल फ्लैट है ये, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है प्लेस्ड है, तो आप भी यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाती है एंट्री, जहाँ से आपके सर्वेंट जो है वो किचन में एंटर कर सकते हैं। दिस इज द सर्वेंट रूम। एंड यहाँ से मिल जाती है आपको घर की सेकेंड एंट्री, जो कि आपके सर्वेंट का स्पेस है। एंड ये रूम भी आपका विद आ जाता है वॉशरूम, जहां पे आपके सर्वेंट वगैरह यूज कर सकते हैं इसको। सो ये था हमारा किचन। गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्मार्ट होम है, तो एलेक्सा तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बट एक चीज जो बच गई है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस घर में आपको सारे स्विचेस जो हैं वो ऑटोमेशन के साथ मिल रहे हैं। एक टच के साथ आप सारी लाइट्स एंड ऑल कंट्रोल कर सकते हैं।
ऑन भी कर सकते हैं एंड ऑफ भी कर सकते हैं. गोल्ड मेटल के सारे स्विचेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेकंड बेडरूम. सो हियर कम्स आवर सेकंड बेडरूम इन द साइज ऑफ 11x14.6. इसके साथ भी आपको अटैच बालकनी मिलेगी एंड हियर कम्स योर वॉशरूम एरिया जहां पे आ जाते हैं आपके वॉकिंग क्लोजेट विद ऑटोमेशन लाइट एंड अ स्टोर रूम जहां पे आप अपना एक्स्ट्रा स्टफ जो है रख सकते हैं. एंड यहां आ जाता है आपका वॉशरूम विद सेंसर लाइट्स पार्टीशन. जितनी भी आप फिटिंग्स देख रहे हैं सारी यहां पे आपको एज इट इज मिलने वाली है. सो ये था हमारा सेकंड बेडरूम. अब हम चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम में जो रहेगा इन द साइज ऑफ 12x15. एंड गाइज दिस इज अ मास्टर बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम के साथ यहां पे आपको मिल रही है बिल्कुल प्राइवेट बालकनी. सो दिस इज द प्राइवेट बालकनी ऑफ योर मास्टर बेडरूम. काफी स्पेशियस बालकनी ये भी आपको मिल रही है एंड आप रेलिंग का हाइट भी देख सकते हैं काफी अच्छा हाइट मिल रहा है. गाइज यहाँ पे आपके जितने भी अपार्टमेंट्स रहेंगे ना वो सारे आपके पार्क फेसेस रहने वाले हैं. लाइक आपको आपकी बालकनी से जो है वो पूरा पार्क का व्यू मिलने वाला है. एंड यहाँ पे जो आप ये डोर देख रहे हैं ना सारे आपको यहाँ पे टफन ग्लासेस के साथ मिल रहे हैं साउंड प्रूफ एंड फायर रेजिस्टेंट. लाइक आपको बाहर का शोर जो है वो अंदर नहीं आएगा. आइए चलते हैं अंदर. सो ये थी हमारे मास्टर बेडरूम की प्राइवेट बालकनी. गाइस ऊपर आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं. पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग सारा एज इट इज मिलने वाला है. एंड कमिंग टू दिस साइड यहाँ पे आ जाएगा आपका एसी की डक्टिंग. एसी की डक्टिंग भी आपको पूरे घर में प्रोवाइडेड रहेगी. एंड आइए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम के मास्टर वॉशरूम में. स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाएंगे आपके कवर्ड्स विद ऑटोमेशन लाइट्स एंड वॉशरूम अगेन विद सेंसर लाइट्स. यहाँ पे आप फिटिंग्स देख रहे हैं लाइक ये आप देखेंगे पार्टीशन. गाइज मुझे ना इसका पार्टीशन बहुत अच्छा लगा विद ब्लैक एजेस. लाइक बहुत सुंदर ये लग रहा है पूरे वॉशरूम के साथ. लाइक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं ग्रे टाइल्स हैं साथ में आपका ब्लैक एड करा गया है तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये सारा लग रहा है. एंड यहाँ पे फिटिंग्स आप देख रहे हैं सारी आपकी कॉलर की फिटिंग रहेंगे जितनी भी यहाँ पे आपका सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी. अब मैं आपको पूरा फ्लैट दिखा चुकी हूँ. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बाहर एंड आपको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. आइए चलते हैं. तो ये है हमारे आज के प्रोजेक्ट का मॉडल जिसका नाम है अनंता एस्पायर. तो मैं आपको मॉडल ब्रीफ कर देती हूँ बट उससे पहले मैं आपको कनेक्टिविटी का थोड़ा सा बता देती हूँ. यहाँ आप ये जो रोड देख रहे हैं ये है आपका पटियाला चंडीगढ़ हाईवे जो आप यहाँ पे सामने भी देख सकते हैं. तो ये है हमारा पटियाला चंडीगढ़ हाईवे एंड इसी हाईवे के साथ कनेक्टेड है हमारा आज का प्रोजेक्ट. टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी तो ये जो आपका रोड है यहाँ से आप डायरेक्टली कहीं के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं. लाइक अगर आपको दिल्ली जाना है आपको पंजाब में फर्दर एक्सेस करना है आपको हिमाचल जाना है आप इजीली यहाँ से कहीं के लिए भी जा सकते हैं. आइए चलते हैं अंदर एंड मॉडल चेकआउट करते हैं. सो ये था हमारा हाईवे जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे. इसके साथ बिल्कुल अटैच आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का गेट देख सकते हैं एंट्री एंड एग्जिट गेट. यहाँ से अंदर आते ही आप यहाँ पे कमर्शियल शॉप देख सकते हैं. लाइक प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको कमर्शियल भी प्रोवाइडेड है. अपने डेली नीड का जितना भी सामान होता है उसके लिए आपको बाहर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. अंदर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. एंड अंदर आके यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट में सारी जो पार्किंग रहेगी वो तीन टाइप की पार्किंग मिल रही है बेसमेंट स्टिल्ट एंड सरफेस पार्किंग. तो यहाँ से रास्ता जाता है आपकी बेसमेंट पार्किंग के लिए. एंड द स्पेशल थिंग आपको पार्किंग में चार्जिंग व्हीकल्स के लिए पॉट्स भी अवेलेबल रहेंगे. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे कंप्लीट 13 टावर्स जिसमें इन्वेंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 BHK 3+1 BHK एंड 4 BHK प्रोवाइडेड रहेगा. तो आज जो मैंने आपको सैंपल का टूर करवाया है वो था हमारा 3+1 BHK इन द साइज ऑफ 2-4.5 square feet एंड उसका प्राइस है आपका 1.45 crores. एंड यहाँ पे आप सामने पार्क देख सकते हैं. प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2.5 acres का पार्क मिल रहा है जिसमें आपके सिटिंग स्पेसेस आपका स्विमिंग पूल आपके जॉगिंग ट्रैक्स मूविंग एरिया सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रोजेक्ट का क्लब हाउस. 15,000 square feet का क्लब हाउस मिल रहा है जिसमें आपका ट्रिपल स्टोरी क्लब हाउस रहेगा विद बेसमेंट जिसमें आपके लिए मिनी थिएटर पार्टी हॉल्स आपका जिमनाजियम सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी. एंड प्रोजेक्ट में आपको एक और चीज़ मिल रही है
बिल्कुल बैक साइड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पोर्ट्स एरिना, जिसमें आपके सारे जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए स्पेसेस दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लाइक आपका क्रिकेट पिच आ गया, आपका टेनिस कोर्ट आ गया, स्केटिंग कोर्ट आ गया, तो लाइक आप यहाँ पे स्पोर्ट्स भी अपना इंजॉय कर सकते हैं। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको एक बार फ्लोर प्लान भी दिखाना चाहूंगी। तो ये है हमारा कंप्लीट फ्लोर प्लान। एक फ्लोर पे आपके दो अपार्टमेंट्स रहेंगे, जिनके लिए दो ही स्टेयरकेस एंड दो ही लिफ्ट प्रोवाइडेड रहेगी। ये आ जाएगा आपका प्राइवेट पैसेज, एंड आपके फ्लैट के लिए आपको दो एंट्रीज मिल जाती हैं। ये आपकी 7 एंट्री है एंड दिस इज द मेन एंट्री। एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे फॉयर एरिया आ जाता है, एंड यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट बेडरूम विद अटैच बैल्कनी एंड अटैच वॉशरूम। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा पाउडर रूम, जो अटैच है आपके ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साथ। तो यहाँ है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया विद अटैच बालकनी, यहाँ है आपका किचन एंड योर सेकेंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम विद अटैच बालकनी एंड अटैच वॉशरूम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर बेडरूम के साथ आपको बिल्कुल प्राइवेट बालकनी मिल रही है, एंड ये आ जाएगी आपकी रनिंग बालकनी अटैच टू योर सेकेंड बेडरूम, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया एंड योर फर्स्ट बेडरूम। सो गाइज, ये था हमारा फ्लोर प्लान, जहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं पूरे घर के लेआउट का। तो अब मैं आपको सारा घर दिखा चुकी हूँ, हमारा आज का स्मार्ट होम, आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी दिखा चुकी हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या अमेनिटीज मिलने वाली हैं, कनेक्टिविटी भी आपको बता चुकी हूँ कि आज का हमारा प्रोजेक्ट कनेक्टेड है पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सुंदर से घर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।